नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की महा डिबेट का। आज बात केजरीवाल के उस बयान की जिससे बीच चुनाव में एक भूचाल सा आ गया है। जेल से छूटे, अंतरिम जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की उम्र और अगली बार पीएम बनने पर सवाल कर दिया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है पलटवार। अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन? मोदी जी ही एकदम पूरी करेंगे, मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से निकले तो अब पीएम मोदी की उम्र पर अटक गए। इंडिया गठबंधन मुद्दों को तलाशते तलाशते जिस नायाब चीज को ढूंढ कर लाया है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी अगले साल 75 साल के होने जा रहे हैं और बीजेपी में उनका बनाया नियम है कि 75 साल का होने पर नेताओं को रिटायर होना पड़ता है, इसलिए जब पीएम मोदी रिटायर होंगे तो फिर बीजेपी का पीएम उम्मीदवार कौन होगा। केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी अपने खास अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उधर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि मोदी जी पीएम का तीसरा टर्म पूरा करेंगे, 75 की उम्र के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना है, पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, आप बैठ जाओ। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे, वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। केजरीवाल के बयान के बाद सियासी तापमान गर्म हो गया है। अमित शाह समेत बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है, दोनों ही तरफ से एक जंग से छिड़ गई है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट के सवाल क्या हैं, उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। जेल से निकले पीएम की उम्र पर क्यों, जेल से निकले तो पीएम की उम्र पर क्यों अटके, ये है पहला सवाल। केजरीवाल की उम्र वाले बयान के मायने क्या है, रिटायरमेंट पर सवाल, बीच चुनाव में क्यों भूचाल, तो ये सवाल वो हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की आज महा डिबेट रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ एमपी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं शरद जोशी जी, और साथ ही थोड़ी ही देर में उम्मीद हम कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत यहाँ पर भूपेंद्र गुप्ता जी आपसे ही कर लेते हैं, बहुत दिनों बाद आप नजर आ रहे हैं आज मुझे। ये नया शिगुफा छोड़ दिया क्या अरविंद केजरीवाल ने उम्र को लेकर, नरेंद्र मोदी की उम्र को लेकर, कि प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे? ये देश का सवाल है, और जो जिस आधार पर मोदी जी ने अपने जो है बुजुर्ग नेताओं के साथ किनारा किया था और उन्हें घर बैठा दिया था, आज वो सवाल खुद उनके सामने खड़ा है, तो इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। और उनके सवालों का, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनके जो सिद्धांत है, उनका जो संस्कार वो लाना चाहते थे पार्टी में,
उसके की सफाई जो है कोई दूसरा व्यक्ति क्यों दे रहा है, ये जिस चीज जो है समझने की है। आज जो मोदी जी ने जिस जिस तरह के सिद्धांत व्याख्यात किए थे 2014 के बाद, उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर संसद में कोई अपराधी नहीं होगा, सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट उन्होंने दिए। उन्होंने कहा था कि हम जो है 1 साल के अंदर सारे केसेस खत्म कर देंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, कोई आपराधिक केस जो है किसी के साफ हुए हैं तो अभी तो दर्ज भी नहीं हो रहे हैं ब्रजभूषण जैसे लोगों पर। ये जो है ये सामने आप उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो मालिश करवाते थे इनके जो है पूर्व संसद महोदय स्वामी बनकर, उनके खिलाफ तो केस विड्रॉ करने की एप्लीकेशन लगाई। तो ये जो सिद्धांत है ये जनता को बताने के लिए अलग और अपने स्वयं पर अप्लाई करने के लिए अलग, ये सवाल आज देश के सामने खड़ा हुआ है। और चूंकि जो है नहीं, सवाल लेकिन देश के सामने आज ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है, मुद्दे तो आप गिनवा रहे थे ना तमाम मुद्दे। आपकी आवाज समझ नहीं आई, फिर से बताएंगे भूपेंद्र जी? सवाल मैं ये कह रही हूँ कि देश में क्या और मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दा अचानक से कैसे आ गया? देश में बहुत बड़े मुद्दे हैं। आप मोदी जी से निवेदन करिए कि वो जो है इस पर चर्चा करें। किसी देश में अगर टेम्पो में भर भर के और बोरों में भर भर के काला धन कहीं पर जा रहा है तो देश की सरकार क्या कर रही है? ये जवाब आप में हिम्मत हो तो आप मांगिए मोदी जी से। हम लोग तो जवाब मांगते हैं तो वो जवाब देते नहीं है। लोया जी जवाब दे सके तो इनसे पूछ लीजिए। टेम्पो में भर भर के बोरों में काला धन देश की सड़कों पर घूम रहा है तो और सरकार क्या कर रही है? ईडी क्या कर रही? बीजेपी के लोग नोटों पर के बिस्तर पर लेटे हुए पकड़े जा रहे हैं विधायक गण, उनके घर क्या हो रही है कार्रवाई है जरा बता दें आपके कर्नाटक में क्या कार्रवाई है उसके बाद? शरद जोशी जी, ये चौथे चरण के रण से पहले की हड़बड़ाहट है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कांग्रेस में जो बिखराव की स्थिति निर्मित हुई है, इससे क्या है कि बौखलाहट तो स्पष्ट नजर आती है। क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे या उनकी उम्र के बाद, निर्धारित उम्र के बाद वो हटा दिए जाएंगे, इसका प्रश्न अभी कोई मायने इसलिए नहीं रखता है कि अभी तो चुनाव है, नई संसद का गठन है, फिर प्रधानमंत्री कौन बनता है, मोदी जी बनते हैं या अन्य कोई बनता है, अभी कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं और उनकी निकली कोई बात उसमें कोई दम तो निश्चित रहता ही है। लेकिन यह मुद्दा जो उठा है इसमें कोई दम इसलिए नहीं है कि अभी जो मुद्दा उठना चाहिए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जितने दूसरे भी दल हैं वह मूल मुद्दों से हटकर दूसरी बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं। इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होता है, कांग्रेस का बनता है, बीजेपी का बनता है या मोदी जी बनते हैं और कोई बनता है। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती जनता के सामने ये है कि वर्तमान में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर नियंत्रण कौन करेगा? और मोदी जी का जहां तक सवाल है, मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है और जनता में जो उनके प्रति आस्था और विश्वास है उसके पीछे ही यह उत्पन्न स्थिति है कि लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में इंदिरा गांधी के पीछे लोग पड़े हुए थे, वही स्थिति आज मोदी जी के सामने है। जी दिनेश गुप्ता जी, क्या मायने इस बयान के निकाले जाए? क्या ये मान के चल रहा है गठबंधन की सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है? क्या है इस बात के मायने? इस बात के बहुत स्पष्ट मायने हैं अपर्णा, कि जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है मोदी जी का चेहरा है और एक 75 साल की नज़ीर भारतीय जनता पार्टी के भीतर मौजूद है। किसी ने सोचा नहीं था कि 2014 का जो चुनाव होगा उसमें मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो वही लाल कृष्ण आडवाणी घर बिठा दिए जाएंगे जिनको मोदी जी को, जिन्होंने आपको काफ़ी उनका बचाव किया, मुख्यमंत्री पद पर बचाए रखा, अटल जी की नाराज़गी थी तब भी बचा के रखा। तो ये जब इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, मध्य प्रदेश में ही आप देखेंगे ना कि बाबूलाल गौर और सरताज सिंह का जब टिकट कटा था तो यही 75 साल का फार्मूला सामने आया था कि जो 75 साल के नेता हैं जिनको हम वयोवृद्ध कहते हैं, युवा नहीं कहते हम इनको, जब वयोवृद्ध नेता होते हैं बहुत सारी जो है आपके एज से फर्क पड़ता है,
कुछ यदि उस एज में वो इतने एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनको आराम की ज़रूरत होती है। ये नज़ीर भारतीय जनता पार्टी में है, इसके पहले कभी ये बहस नहीं होती थी भारतीय जनता पार्टी में। और ये सही कहा अमित जी ने कि अमित शाह जी ने कि वो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये संविधान का विषय नहीं था। ये विषय अचानक 14 में आया और 14 के बाद बहुत सारे राज्यों में जो 75 साल पार के नेता थे उनको घर बिठा दिया गया था। तो ये सवाल आज के चुनाव में बहुत मौजूद सवाल है, और ये सवाल अरविंद केजरीवाल ने तो सिर्फ उसको आवाज़ दी है, ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत सारे लोग आपको ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हैं ना तब ये उठते हैं कि इस बार तो ठीक है आप मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब 75 का फॉर्मूला कोई उठाएगा पार्टी के भीतर तो क्या उसको चुप करा दिया जाएगा? उसका क्या है उसका जवाब कि 75 साल की उम्र में क्या होगा, 75 साल जब हो जाएंगे मोदी जी को तो क्या अडवाणी जी की तरह होगा? तो इसलिए इसका जवाब चुनाव के पहले वोटिंग के पहले सामने होगा लोगों की, तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। अमित शाह जी ने जवाब दे दिया है कि वो रहेंगे, तो मुझे लगता है अब इस पर आगे कोई डिबेट होगी नहीं। आगे कुछ दिनों बाद नड्डा जी का भी बयान आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जैसी परंपरा है बहुत सारे नेता। जेपी नड्डा ने एक्सपर्ट लिख दिया है कि विपक्ष खुश ना हो, कोई मुगालता ना पाले, मोदी जी हमारे नेता हैं, रहेंगे और आएगा तो मोदी ही, ये रहेगा तो मोदी ही, ये लिख दिया है जेपी नड्डा जी ने। राजपाल सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है। राजपाल सिंह जी देर आए दुरुस्त आ रहे कि बहुत देर आए सर, आप बताइए सर, ये जो सवाल उठा है उसको लेकर अमित शाह ने भी साफ कर दिया है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी साफ कर दिया है, लेकिन क्या देख रहे हैं इस सवाल के पीछे, क्या मंशा हो सकती है विपक्ष की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है, भारतीय जनता पार्टी पर जनता विश्वास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर देश की जनता ने इसलिए विश्वास किया क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। अब ये सब बातें जो चल रही है, जिस प्रकार से बातें चल रही है, ये बातें सब चुनावी बातें हैं। वास्तविक में तो यह है कि देश की जनता ये तय कर चुकी है, मोदी जी को स्वीकार कर चुकी है, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। और आप देख रहे हैं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, इसी वजह से जो हमने कहा वो किया, इस वजह से लोगों के बीच में हमने विश्वास अर्जित करने का काम किया, और विश्वास ही अर्जित करने का काम नहीं किया अपितु भारतीय जनता पार्टी ने एक मोदी जी के नाम की गारंटी भी देने का काम देश के अंदर किया। गरीब कल्याण के काम को करते हुए हमने जिस प्रकार से देश के अंदर देश के आम नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का विनम्रता से प्रयास किया, ये एक दिखने लगा है, वो काम अब सतह पर आकर दिखने लगा है। जिस प्रकार से लोगों का जीवन सामान्य स्तर से ऊंचा उठने लगा है, जिस प्रकार से हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से हमने लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है, आज हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास अर्जित करने का काम किया है। जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है, मोदी की गारंटी चल रही है, और हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा करने का काम किया है। मध्य प्रदेश के हमारे नेतृत्व में ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर जनता के बीच में जाने का काम किया, यह बात भी पूरी देखने को मिल रही है, और उसका नतीजा है कि आज जगह जगह पर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और हमको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होने का ऐसा लोगों के द्वारा विश्वास मिल रहा है। भूपेंद्र गुप्ता जी वो तो अपना सुनहरा रिपोर्ट कार्ड चमका रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट्स में आप बीट नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। बहुत बढ़िया, आपकी खुशी भी मुझसे जो है आपको बधाई देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि इनसे जरा पूछेंगे कि करती और करनी में अंतर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, देश में ऐसे ही महान लोग होने चाहिए जिनकी करती, तो फिर दे दो ना 15 लाख रुपए, क्यों नहीं दिए लोगों को? आपकी कथनी थी, अब करनी करिए, आप दे दीजिए 2 करोड़ लोगों को नौकरी, आप ही ने तो कहा था। ये कथनी करनी में आपके बिल्कुल अंतर नहीं है, बिल्कुल हम मान लेते हैं, तो आप दीजिए ना ये सब। आपने कहा था आप 13 रुपए किलो में शक्कर देंगे, दे दीजिए। आपने कहा था कि आप 30 रुपए लीटर पे पेट्रोल ले आएंगे, सब रिकॉर्डेड बयान है आपके, आप जरा दे दीजिए। आपकी कथनी करनी में बिल्कुल अंतर नहीं है, आप तो विश्वगुरु लोग हैं, आप जो कहते हैं वो अपने आप हो जाता है, किया ही नहीं जाता है, तो आप बता दीजिए। 30 रुपए लीटर आप जो है शुद्ध घी देने वाले थे यूपी में, आपके भाषण सुनवा दूंगा, तो आपकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, तो ये करके दिखाइए ना, कब करेंगे आप इसको? आपने कहा था राजस्थान में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 450 रुपए में हमने देना शुरू कर दिया गैस का सिलेंडर, आपको मैडम मिला हो तो आप बता दीजिए, आप अभी कुछ नहीं,
आपको आपके घर में अगर 450 में सिलेंडर आ रहा हो तो इसका जवाब दे दीजिए। इनकी कटनी करने में बिल्कुल अंतर नहीं है, 1% नहीं, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस चल रहा है। हम विश्वास कर लेते हैं इसको। आप दिलवा दीजिए कल मुझे 450 में सिलेंडर, आप दिलवा दीजिए हमें 15 लाख हमारे। ये सब इन्हीं ने तो कहा था, किसी दूसरे ने थोड़ी कहा था, आसमान से थोड़ी कोई आके बोल रहा था ये बातें। ये बातें इन्होंने ही कही थी। आप अगर दिलवा दें बड़ी मेहरबानी आपकी, देश बड़ा खुश हो जाएगा, इनकी गारंटी पे भरोसा कर लें। अभी तो इनकी गारंटी पे इनकी पार्टी भरोसा नहीं कर रही है। ये जो है अभी कैमरे से बाहर निकल के सिसोदिया जी खुद हंसेंगे कि यार क्या क्या हो रहा है। हमारी भी बातें सब लोगों से होती है, हम भी जो है कुछ अपने पर हंसते, कुछ उन पर भी हंसते, कुछ वो अपने पर हंसते, सब बातें होती, सब बताते हैं लोग। तो दिनेश जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, क्या तो बीजेपी के अंदर खाने ये बातें हो रही हैं कि 75 का क्या होगा। येदुरप्पा की टिकट काटी थी, उनको नई पार्टी बनानी पड़ी थी इसी आधार पे। आप जो है, आपके सिद्धांत झूठे, आपकी बातें खोखली, आपके वादे जो है जुमले। खुद ही अमित जी ने कहा कि साहब हम तो, ये तो जुमला है, हमने भाषण में दिया था 15 लाख देंगे। कोई ऐसे भाई 15 लाख दिए जाते हैं क्या? जब जो लोग ये इनकी कथियों करनी और ये कह रहे हमारी कथनी करनी एक है, बिल्कुल अभी एक है तो फिर 2-15 लाख रुपये पूरा देश मांग रहा है। आज जो है आपको क्यों जरूरत पड़ी अपनी फोटो हटाने की वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट से? क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप ही ने बैनर लगाए थे पूरे देश में कि धन्यवाद कहिए मोदी जी से, थैंक यू मोदी जी। ये आप ही ने किया था ना, करोड़ रुपया देश का बर्बाद किया होर्डिंग लगाने में, थैंक यू मोदी जी। तो अब ये फोटो क्यों हटा रहे हो आप ही कहते थे ना बड़े बड़े अखबारों को विज्ञापन दे के और चैनलों को विज्ञापन दे के साहब मोदी ये वैक्सीन गुरु जी, अचानक अपनी फोटो क्यों हटा रहे हैं? आप ही ने कहा था ना कि मोदी की मोदी वैक्सीन मोदी ने बना दी थी, 6 महीने में बना दी। कथनी और करनी में अंतर नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने गिनवा दिए तमाम अंतर। देखिए संकल्प को हमने सिद्ध करके बताने का काम किया। 1980 में जब पार्टी की स्थापना हुई, जब हमने तय करते कि हम अगर सत्ता में आए तो धारा 370 हटाएंगे, जब सरकार में आते तो 370 हटाएंगे। 1980 में पार्टी की स्थापना के समय ये तय करते कि हम सरकार में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर बना के दिया। 1980 में हम ये संकल्प लेते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो UCC लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने लागू करने का काम किया। अरे क्या बात करते हो भूपेन्द्र गुप्ता जी, हमने जो कहा वो करके दिखाया है। हमने अगर जनता को वादा किया कि हम मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करेंगे, बनाएंगे, तो वो बना के हमने दिया है। और अब तीसरी बार फिर इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। 4 तारीख का इंतजार करिए भूपेन्द्र गुप्ता जी, इतने बेचैन मत होइए। आप रसीद दिखा दें, अगर आपको मिल गया वो सिलेंडर तो भले, हमें नहीं मिला हम उसी को मान लेंगे। बताइए 450 का सिलेंडर मिल रहा है जो लोग घोषणा की है प्रधानमंत्री जी का, भाषण बता दूंगा आपको कि 450 का हमने देना शुरू कर दिया है। हमने इस देश के अंदर गरीबों गरीब कल्याण के तहत गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। हमने इस देश के अंदर भले ना मिल रहा हो तो आप रसीद दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। हमने इस देश के अंदर गरीब कल्याण के कई सारे कार्यक्रम कराए, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया, प्रधानमंत्री आवास योजना देने का काम किया, किसान सम्मान निधि देने की बात कही है। हमने तमाम गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के कई सारी योजनाएं इस देश में चालू करने का काम किया है। आपको जिंदगी मिल रहा है क्या? यही तो आपकी कथनी है, आप करनी बताइए। आपकी कथनी आपको हमने बता दी, आप करनी तो बताइए। दिनेश गुप्ता जी क्या लग रहा है आपको कि जब चुनाव शुरू हुए थे तो उस वक्त के पॉलिटिकल टेम्परेचर में, और अब चौथे चरण के करीब पहुंच गए हैं हम, अब चीजें बदली हैं या किस तरह से पॉलिटिकल टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है? देखिए इतने सारे मुद्दे अपना बदले हैं कि हर बार हम देखते हैं कि एक नया मुद्दा, हर फेज में एक नया मुद्दा आ जाता है। अब जब फोर्थ फेज का चुनाव है, 13 तारीख को वोट डालने जाना है, तो एक नए मुद्दे के साथ हैं। हमने देखा एक नए मुद्दे पे हम डिस्कशन करने बैठे तो कितने सारे मुद्दे विपक्ष ने और जो है और भारतीय जनता पार्टी ने बता दिए। उन्होंने कथनी और करनी के, दोनों ने अपनी अपनी कथनी और करनी बताई, लेकिन मूल मुद्दा कोई जो जनता का मुद्दा है, वो जनता का मुद्दा क्या है उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। बहुत सारी बातें हमने सुनी, हमने पाकिस्तान तक चले गए हम, तो जो मुद्दे हैं जनता के, जो मुद्दे हैं जिन पर बात 2014 में देखा था पूरे देश ने एक साथ मोदी जी का समर्थन किया था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब चुनाव हुआ था
उसमें पूरा देश साथ था, 2019 में साथ था, वो मुद्दे थे, जनता के मुद्दे थे, वो जनता ने पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था। लेकिन इस चुनाव में क्या हो रहा है, जो मुद्दे कहीं नहीं दिख रहे। अब प्रधानमंत्री जी का आ गया कि 75 साल के बाद वो पद पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कोई पद से चिपके रहना चाहते हैं। उनकी तो जो उन्होंने जो एक लाइन खींची थी, हो सकता है कि जब वो 75 साल की उम्र हो खुद ही इस्तीफा दे दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में चर्चा में आती हैं। ऐसा नहीं है कि देश में ये सब चीज़ों पर चर्चा नहीं होती। लोग वोट डालने से पहले बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं, भले ही राजनेता इन पर चर्चा ना करें। राजनेता अपनी तरफ से कोई भी मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो चुनाव में रिजल्ट में दिखते हैं। बिल्कुल। शरद जोशी जी, आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से? इसमें सीधी सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक कैडर पार्टी है और इस पे निर्धारण होता है पार्टी के अंदर, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे बनाए जाएंगे या नहीं, ये निर्णय कैडर करेगा। क्योंकि आप देखिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तीनों जगह मुख्यमंत्री एकदम बदल दिए गए। नानाजी देशमुख ने अपने आप राजनीति से हट गए थे 60 साल की उम्र के बाद। तो जैसा कि अभी गुप्ता जी ने कहा है कि निश्चित नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वह स्वयं भी पद से हट सकते हैं। अब ये आने वाला समय क्या होता है, यह तो समय के नहीं, लेकिन क्या विपक्ष के पास मोदी मैजिक का या मोदी की गारंटी जो बीजेपी कहती है, क्या उसका कोई जवाब नहीं है, जो इसलिए इस तरह की बात, ये सवाल उठाए जा रहे हैं, शिगुफा छेड़ा जा रहा है? पद का कोई उम्मीदवार था और यदि उम्मीदवार होता तो निश्चित रूप से ये उनको प्रस्तुत करते। अब चूंकि उम्मीदवार नहीं है और विपक्ष मान चुका है कि देश में का अगला प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो मोदी जी बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। गठबंधन का चेहरा कौन होगा वहां, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? बीजेपी पूछती है ना कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास कौन है? हमारे पास डेमोक्रेसी है, पर्ची पे थोड़ी बनता है प्रधानमंत्री, पर्ची पे मुख्यमंत्री बीजेपी के अंदर बन रहे हैं। चुनाव कोई जिताता है, मुख्यमंत्री कोई बनता है, और उससे जो है क्या विधायक दल की बैठक हुई है क्या, या जो है वहां पर प्रधानमंत्री पद के लिए कोई बैठक हुई थी क्या? इसका जवाब आप दीजिए। आप तो हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है कि हमारा नेता कौन, हमारा नेता सांसद चुनेंगे और जिसको चुनेंगे वो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, और ये कांग्रेस में हमेशा से हुआ है। कांग्रेस में थोड़ी पर्ची सिस्टम है, ये पर्ची सिस्टम का तो काम वो लोग कर रहे हैं जो डेमोक्रेट होने का दावा करते हैं और तानाशाही की तरह पर्ची भेज देते हैं। देश के रक्षा मंत्री ने पर्ची दी है कि पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश में जो है लोग देखते रह गए, चौथी लाइन से उन्होंने कहा कि आ जाओ भैया, शपथ लेना है आपको, ठीक है, कोई बैठक हुई क्या? ये जो है इसका जवाब आप दीजिए, थोड़ा हमसे तो सवाल पूछ लेती जरा, इनसे तो साहस करिए। सवाल पूछे तो मेरा काम है ना। खैर, समय आएगा मध्य प्रदेश की महाडिबेट के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका, आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, क्योंकि मौसम चुनाव के तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, शिगुफे भी छेड़े जा रहे हैं, जनता को रिझाने की कोशिश आखिरी वक्त तक चलती रही, क्योंकि सियासत जो है वो क्रिकेट मैच की तरह होती है, आखिरी गेंद पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर कोई जोर आजमाइश में लगा हुआ है। महाडिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।